भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे देश में अपनी चार प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। इसी श्रृंखला में नागपुर के संविधान चौक पर भारतीय मजदूर संघ नागपुर जिला द्वारा भव्य धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर संघ का हाल ही में पटना में अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख कुछ निर्णय लिए गए, जैसे कि समाज के हर क्षेत्र के हर तबके के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिले, न्यूनतम वेतन जो बहुत कम है वो जीविका के स्तर के अनुसार वेतन मिले, आर्थिक विकास के लिए नई श्रम नीति बननी चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न उद्योग क्षेत्र में कंत्राटी कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को ठेका जाने के बाद काम से निकाला जाए, ये सभी मांगे पूरी हो, इसके लिए आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी श्रृंखला में नागपुर में भी यहाँ प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए मैडम, भारतीय मजदूर संघ की ओर से पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ का हाल ही में 7-8-9 अप्रैल को पटना बिहार में अधिवेशन संपन्न हुआ, अखिल भारतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। उस अधिवेशन में ऐसा निर्णय लिया गया कि समाज के हर क्षेत्र के कामगार को, हर तबके के कामगार को सामाजिक सुरक्षा मुहैया किए जाए। उसके बाद में जो न्यूनतम वेतन जो दिया जा रहा है कामगार को, मजदूर को, जो मिनिमम वेजेस कहते हैं हम उसे, वो मिनिमम वेजेस बहुत कम है। अभी भारतीय मजदूर संघ ने ऐसी मांग की है ये कि जीवन के स्तर के अनुसार, जीविका के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। परिवार चलाने के लिए जितना खर्चा आता है मासिक, कम से कम उस अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। इस प्रकार का एक प्रस्ताव भारतीय मजदूर संघ ने वहाँ पर पारित किया। उसके बाद में सबको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, यह एक प्रस्ताव पारित किया। और उसके बाद में आर्थिक विकास के लिए सब नई श्रम नीति बननी चाहिए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव वहाँ पर पारित किया। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसा पारित किया कि ठेका मजदूर जो है, ठेका मजदूर, ठेका कामगार, विभिन्न राज्य सरकार के उद्योग में, केंद्र सरकार के उद्योग में, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारे कंत्राटी कामगार काम करते हैं, ठेका जाने के बाद में उनको काम पर से निकाल दिया जाता है, तो उनके काम पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, ठेका बदलने के बाद में भी उनको काम पर रखा जाए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव वहाँ पर पारित हुआ। और यह चारों के चारों प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजना है, तो उसको ताकतवर पद्धति से भेजना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ इस देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, और सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन होने के कारण सारे देश भर यह चार प्रस्ताव को लेकर धरना प्रदर्शन करना है, और जिलाधिकारी के माध्यम से वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, वहां पर उनको निवेदन देना है, इसलिए यह धरना प्रदर्शन है। गजानन गटलेवार, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री। धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा गया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।